इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन है और विधि करना है मतलब किस विधि से सॉल्व करना है करना है पूर्ण वर्ग कंप्लीटिंग अरे सामने देख लो भाई समझ लो मजे बाद में कर लियो पेपर के बाद बहुत टाइम पड़ा है मजे करने को हैं सही है भैया ध्यान दो अरे शांत हो जाओ क्या गड़बड़ कर रहे हो कोई दिक्कत ना समझो 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 देखो इक्वेशन है ये और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करना है यानी पूर्ण वर्ग विधि से तो इसमें करोगे क्या तुम सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा हो उसी वर्ड से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो कर लिया दो से ही नहीं जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो इससे डिवाइड करना है डिवाइड करने पर ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 ये 2 है ना इसे उठाकर 3 अपॉन 2 है कांस्टेंट वैल्यू उठाकर साइड में रख दो कितनी आ गई 3 अपॉन माइनस की हो जाएगी इधर जाने पर माइनस 3 अपॉन 2 अब क्या करोगे जो x का कोफिशिएंट हो x का कोफिशिएंट कितना है 5 अपॉन 2 माइनस का है वैसे क्या करो इसमें 1 अपॉन 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो और उसका भी स्क्वायर करके दोनों साइडों में जोड़ दो भाई 5 अपॉन 4 तो कितना जाएगा 25 अपॉन 4 4 से 16 इसे दोनों साइडों में सम कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2 माइनस का 25 अपॉन 16 अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x ध्यान देना दोनों अगर प्लस प्लस में आए तो ए प्लस बी का होली स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओ अगर प्लस और माइनस का है तो माइनस का फॉर्मूला बना दो x माइनस 25 का स्क्वायर 5 और 16 का 4 का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां एलसीएम लोगे तो 16 और 2 का एलसीएम तो 16 ही आना है 2 से 16 8 टाइम डिवाइड होगा 8 3 जा 24 माइनस का 24 प्लस का 25 तो क्या कर लिया जरा भाई 1 बचा 1 अपॉन 16 अब कर लो स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लो दोनों साइडों का वर्गमूल लेने पर इधर से स्क्वायर कट जाएगा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट भाई रूट हट जाएगा इधर बचेगा x माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू इधर का क्या बचेगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर रूट 1 और 16 का 4 अब प्लस में और इधर जाएगा तो माइनस में दो बार करने पर जब भाई कोई संख्या वर्गमूल में निकलती है यानी स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका प्लस माइनस आंसर आता है अब जब ये प्लस माइनस में दो बार रखोगे तुम एक्स माइनस माइनस का इधर इधर पॉजिटिव केस में लेकर चल रहे हैं ठीक है तो 5 अपॉन 4 इधर प्लस के माइनस के इधर जाने पर प्लस के और प्लस के नंबर के साथ 1 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4 एलसीएम 4 है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और 1 6 अपॉन में 4 2 से काट दो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 एक्स वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 2 मगर नेगेटिव केस में क्या हो जाएगा नेगेटिव केस में चेंज आएगा थोड़ा सा एक्स इज इक्वल टू भाई कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4 और ये प्लस का इधर जाने पर किस कौन सा 5 अपॉन 4 कुछ गड़बड़ है ठीक है एक्स इक्वल टू कितना आएगा 4 एलसीएम आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 5 माइनस करोगे तो 4 अपॉन 4 आ गया कट गए 1 x इक्वल टू 1 एक तो आ गया x वैल्यू 3 अपॉन 2 एक आ गया 1 अपॉन 1 अपॉन 1 लिखो एक ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं तो इसका ये कंप्लीट होता और भी एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन बैंक से और अनसॉल्वड पेपर से आप लोग देख करके सॉल्व कर लोगे ठीक है कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।